स्वैप मशीन के बिना अब कोई भी खरीदार खाद नहीं बेच सकेंगे। पकड़े जाने पर संबंधित दुकानदार का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। दुकानदारों को स्वैप मशीनें चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि किसानों की सब्सिडी ऑनलाइन खाते में डाली जा सके। सहकारी सभा के सेल्समैन व प्राइवेट डीलर स्वैप मशीन लेना सुनिश्चित करें। अगर किसी दुकानदार ने अभी तक स्वैप मशीन नहीं खरीदी है तो उन्हें खाद की सप्लाई नहीं मिलेगी। सूत्रों की माने तो भारत सरकार ने रासायनिक खाद की सब्सिडी ऑनलाइन कर दी है ताकि किसानों के खाते में सीधी राशि डाली जा सके। इसके लिए सहकारी सभा को में 25 जनवरी को सुबह 11 बजे ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसमें संबंधित डीलरों को स्वैप मशीन का संचालन हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीलर अपने साथ स्वैप मशीन भी लाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा स्वैप मशीन का आईडी नंबर, सेल्स स्टॉक का रजिस्टर, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की कॉपी साथ लानी होगी। स्वैप मशीन का संचालन नए सिरे से किया जाएगा। अगर किसी के पास स्वैप मशीन नहीं है तो वह भी ट्रेनिंग में भाग लेना सुनिश्चित करे। ये सच है कि कुठेड़ा कॉपरेटिव सोसाइटी सहकारी सभा में 25 तारीख इसी महीने 25 जनवरी को 11 बजे एक सहकारी सभाओं के सचिव या जो उसमें रासायनिक खादों का वितरण करते हैं उनको एक ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें कृषि विभाग के द्वारा जो प्राइवेट डिपो होल्डर हैं या डीलर हैं जो रासायनिक खादों का वितरण करते हैं उनको भी बुलाया गया है। और इसमें भारत सरकार के ये सख्त आदेश हैं कि कोई भी सहकारी सभा या कोई भी रिटेल या इसका डिपो होल्डर जो प्राइवेट लाइसेंस होल्डर बिना पीओएस स्वैप मशीन के खाद का वितरण नहीं किया जा सकता। जो इस प्रकार के करते हुए पाए जाएंगे उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। इसलिए मेरा हमीरपुर विकास खंड के जितनी भी हमारी सहकारी सभाएं हैं जिनमें जो सचिव या सेल्समैन खाद वितरण का काम देख रहे हैं और जिनको पीओएस स्वैप मशीन मिल चुकी है वो भी इस कैंप में इस ट्रेनिंग में कुठेड़ा कॉपरेटिव सोसाइटी में आएंगे 25 तारीख को ठीक 11 बजे और जिनको नहीं मिली है वो भी आएंगे ताकि उनको ये मशीनें दी जाएं। और इसके साथ साथ कृषि विभाग के हमारे कृषि प्रसार अधिकारी डॉक्टर सुधीर ठाकुर जी को भी मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो भविष्य में किसी कॉपरेटिव सोसाइटी या प्राइवेट डिपो होल्डर जो रासायनिक खादों से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनको दिक्कत आने पे उनकी समस्या का समाधान कर सकें, ट्रेनिंग करा सकें। इसमें मैं ये बताना उचित समझता हूं कि 24 जनवरी 2018 रात 12 बजे के बाद जिन कॉपरेटिव सोसाइटीज में पिछला कोई बैलेंस है या उनका जो किए गए कार्य हैं वो सारा नल एंड वाइड होगा, आगे 25 जनवरी 2018 से वो किस प्रकार उस मटेरियल को एंटर करेंगे, चाहे वो हिमफैट से लेते हैं किसी अन्य स्रोत से लेते हैं, इसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसमें डीबीटी भारत सरकार के आदेश के अनुसार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होगा किसान को सब्सिडी खाते में सीधी चल जाएगी। ये एक बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया रहेगी और इसमें किसी प्रकार के हेरफेर की संभावना नहीं होगी। तो ये सभी मेरा डिपो होल्डरों से एक बार फिर अनुरोध है कि वे कृपया करके 25 जनवरी को कोठेड़ा कॉपरेटिव सोसाइटी में ठीक 11 बजे पहुंचे और अपनी मशीनें भी साथ ले आए और अपना लेखा जोखा जो उन्होंने पिछले वर्ष का वित्त वर्ष का किया है इसी वर्ष का जो किया है लेखा जो का वितरित खाद के वो भी साथ में लाएं और जिन लोगों को पीएस मशीन नहीं मिली है वो भी इस ट्रेनिंग में आए जिनको लाइसेंस मिल चुके हैं। यदि कोई इस ट्रेनिंग में रह जाता आने से तो भविष्य में उसको दिक्कत हो सकती है और बिना पीएस मशीन के कोई खाद बेचता हुआ पाया गया तो उनको एफसीओ एक्ट के तहत दंडित किया जा सकता है और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया।